चुनाव आयोग की ओर से जिस प्रकार के सटीक प्रबंध किए गए हैं उसकी जानकारी देते हुए चुनाव तहसीलदार सरबजीत सिंह ने बताया कि चुनावों को पूर्णतः सफल बनाने के लिए आयोग की ओर से लोगों को जहां बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की जा रही है, वहीं पर उनकी ओर से बुजुर्गों, बीमारों, विकलांगों व कोरोना पीड़ितों के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। और कौन कौन से प्रबंध हैं लोगों के लिए, सुनते हैं चुनाव तहसीलदार सरबजीत सिंह की जुबानी। PWD ऐप है वो परसन विद डिसेबल जो जोड़े कोई विकलांग या कोई दिव्यांग परसन ने वो उन्होंने वास्ते बनाई गई है। कोई भी जरा PWD परसन है वो जे तो हाले तक वोटर एज ए रजिस्टर्ड नहीं होया तो वह अपने आप उस ऐप के राही रजिस्टर्ड भी कर सकता। जेकर ऑलरेडी एज ए रजिस्टर्ड है जनरल वोटर तो अपने आप में वो फलैगिंग करके वोटर सूची भी उनकी फलैगिंग हो सकती है। दैन उस अलावा कोई भी अजिहा व्यक्ति जो PWD ऐप यूज़ करेगा वो राही BLO अपने इलाके का पोलिंग स्टेशन अपने सुपरवाइजर या कोई भी जी वो पोलिंग स्टेशन के नाल संबंधित जानकारी है वो उस ऐप में हासिल कर सकता है। मानयोग भारत चोण कमिशन नवी दिल्ली जी साढ़े मुख्य चोन अफसर पंजाब चंडीगढ़ जी के वालों एक जो इन तीन कैटागरी जो एबसेंटी कैटागरीज आप मनिया हैं जिन्होंने साढ़े PWD परसन आते हैं 80 साल या उन्होंने तो उपर जे सा जिन्हें वोटर आते हैं जो कोविड पेशेंट या सस्पैक्टेड जोड़े है कोविड शक्की मरीज हैं उन्होंने वास्ते एक जो नवी सहूलत दी गई है वह सहूलत यह है कि हरेक इन तिना कैटागरी की असं घर घर जाके पोलिंग करवावे। उस वास्ते जदों का चोन जाबता और जो इलैक्शन अनाउंसमेंट हुई है 8 तरीक की 8 तरीक तो लैके जिस दिन साढ़े आ नोटिफिकेशन होनी है 21 तरीक उस तो अगले 5 दिन यानी कि 26 जनवरी तक इन कैटागरी पासों फार्म नंबर 12D इन कंसेंट ले जाएगी। सो इन्हों की यह ऑप्शन रही है कोई भी जो इन तिना कैटागरी का व्यक्ति है वह अपनी ऑप्शन दे सकता है। हाँ ये यह है कि जे कोई एक बार अपनी ऑप्शन दे देता है तो फिर वो सिर्फ घर तो ही उसकी जाके पोलिंग करेगी, वो पोलिंग स्टेशन जाके अपनी वोटिंग नहीं कर सकता। सो 12D तो बाद फिर जो जो साढ़े उम्मीदवार जो फाइनल हो जाते हैं तो वह वास्ते कमीशन की हदायतों मुताबिक एक पोलिंग पार्टी तैयार की जाएगी जिद एक BLO एक साडा पुलिस ऑफिसर एक साडा कैमरामैन और एक क्लास हो रहे 4 मैंबरी टीम होगी जिन्होंने कोल ये सर अपने पोस्टल बैलेट पेपर कंसर्न जो एरिए हो फिर घर घर जाके हरेक ही उस व्यक्ति दे घर के किसी रूम में जो एक पोलिंग स्टेशन की शेप देती जाएगी वो फिर अपनी मर्जी के नाल जिस भी किसी अपने पसंदीदा उम्मीदवार वोटर सूची की जो पोस्टल बैलेट पेपर है वो टिक करेंगे उन्होंने अपनी वोट जी पोल कर सकेंगे। दैन उस तो बाद फिर वो उसकी वोट वो सामने ही 13A फॉर्म है जिद अपनी डैक्लरेशन देगा जिन्होंने कि साडा मौके का पोलिंग ऑफिसर अपने तौर पर अटैसट करेगा। अटैसटेशन करने तो बाद पोस्टल बैलेट पेपर में फॉर्म 13B कन्वैल्प है वो सील करके फिर नैक्सट अगले घर चले जाएंगे। सो इस तरह ही हरेक टीम हैं जिड़िया हरेक जदों ही साढ़े विड्राल तो बाद मतलब पोस्टल बैलेट पेपर फाइनल हो जाएंगे घर घर जाएंगे। सो उन्हां दी पोलिंग का काम है जो मेन पोलिंग है जो 14 फरवरी हो जा रही है उस तो पहला ही सारा काम जो खत्म कर लिया जाएगा। सो साढ़े जिले के 3,949 जो PWD वोटर हैं और 10,700 जो साढ़े सीनियर सिटीजन इस तरह कोविड के पेशेंट हैं हाल की घड़ी का लगभग कोई 292 हैं जो कि रोजाना कहीं जो कुछ ठीक भी होकर घर से जा रहे हैं या कुछ वादी घट की फिक्र रही है जो भी मौके मुताबिक होगी जो कोविड के पेशेंट होंगे उन्होंने जो कोविड के हॉस्पिटल जिते भी एडमिट हैं उन्होंने पोलिंग उस कंसर्न हॉस्पिटल में जाके करवाई जाएगी और जोड़े साढ़े कोविड के आइसोलेट घर हुए हैं उन्होंने पोलिंग जिते भी कभी आइसोलेशन होंगे उन्होंने पोलिंग असं उत्थे करवावे। सो एक सब तो वधिया जो मानयोग कमिशन वालों उपराला किया गया है कि जो जहाँ असं यह समझते हैं कि यह कैटागरियाँ पोलिंग स्टेशन से जाके वोट पोल नहीं कर सकदियां वो वध तो वध इस सहूलत का लाभ उठाउण। तो ये सारे ही अं तक अपील करांगे कि जिन्हें भी 40% या उस तो उपर जो PWD परसन हैं 80% या उस तो सॉरी 80 साल या उस तो उपर साल के जिन्हें भी साढ़े वो वोटर्स हैं ये सारे ही अपना ये लाभ उठाउण घर उन्होंने पोलिंग तो मुकम्मल करवाई जा सके। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।